हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड टू एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी, और जो इसका पहला टॉपिक हमारा वर्णमाला, आज इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, स्वर तथा व्यंजन क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए समास के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी हिंदी व्याकरण के प्रकार, ऑप्शन नंबर सी हिंदी वर्णमाला के प्रकार, ऑप्शन नंबर डी संधि के प्रकार। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। तो आइए देखते हैं, जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी वर्णमाला के प्रकार। जो हमारे स्वर तथा व्यंजन है ये दो प्रकार है हमारे वर्णमाला के। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन एक बार और सुनिए, उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए दो, ऑप्शन नंबर बी एक, ऑप्शन नंबर सी तीन तथा ऑप्शन नंबर डी चार। तो आप जल्द से जल्द बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार होते हैं। मात्रा या उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये पूछा होता कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार होते, फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन मात्रा या उच्चारण की अवधि के आधार पर पूछा तो यहाँ पर इसके दो प्रकार होंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए किसी को पुकारने में, बी अंतस्थ व्यंजन के साथ, ऑप्शन नंबर सी आयोगवा के साथ और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए किसी को पुकारने में। जो हमारा प्लुत स्वर का जो प्रयोग होता है वो हमारे नाटक के संवादों में या किसी को पुकारने के लिए होता है। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण, दीर्घ प्राण, ऑप्शन नंबर बी अल्प प्राण तथा लघु प्राण, ऑप्शन नंबर सी अल्प प्राण एवं महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ प्राण एवं महाप्राण। तो आप जल्द से जल्द बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें वो हमारा राइट आंसर है, अल्प प्राण एवं महाप्राण। जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं, एवं जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब उच्चारण करते समय कम वायु बाहर आए उसको अल्प प्राण कहते हैं, तथा जब अधिक वायु बाहर आए उच्चारण करते समय उसको महाप्राण कहते हैं। तो आइए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, अर्ध संवृत ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए ई ई उ उ, ऑप्शन नंबर बी आ ए ओ, ऑप्शन नंबर सी ए ओ और ऑप्शन नंबर डी आ। तो आप जल्द से जल्द बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी है ए ओ, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको हम समझते हैं कि मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारी जो ध्वनियां होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। इसमें तो खाली अर्ध संवृत के बारे में पूछा गया था, लेकिन जो मुख द्वार खुलने के आधार पर ध्वनियां चार प्रकार की होती हैं, विवृत, तो विवृत ध्वनि के लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है आ, ये आ जाएगा। उसके बाद होती है हमारी संवृत, उसके लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ई ई उ उ, ये सब ऑप्शन सही रहेगा। और जो हमारा थर्ड है अर्ध विवृत, उसके लिए जो हमारा बी ऑप्शन है ए ए ओ, ये सब ऑप्शन सही था। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसको अर्ध संवृत ध्वनियां कहते हैं, आपने देख ही लिया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
बोलने से स्वर में जहां उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं। जब हम कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो जो स्वर में उतार चढ़ाव होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुतान, ऑप्शन नंबर बी बलाघात, ऑप्शन नंबर सी वितान और ऑप्शन नंबर डी संगम। तो आप जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं। तो आइए देखते हैं जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुतान। जब बोलने में उतार चढ़ाव होता है तो उसको अनुतान कहते हैं। अभी इसी तरह से जो हमारा बलाघात है उसको बोलेंगे उच्चारण में अक्षर पर जहां बल दिया जाता है उसको बलाघात कहते हैं। और जैसा हमारा संगम है उच्चारण में पदीय सीमाओं का भी ध्यान रखा जाता है तो इनकी सीमा संकेत ही संगम कहलाता है। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मूल वर्ण कौन कौन से हैं? जो हमारे मूल वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनको टुकड़ों में नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए आ ई उ ओ, ऑप्शन नंबर बी आ ई उ ऋण, ऑप्शन नंबर सी ए ए ई ई और ऑप्शन नंबर डी ओ ओ अंग। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आ ई उ ऋण। ये वो मूल ध्वनियां हैं जिनको हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, इनको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। बाकी जैसा हमारा आ है उसको हम दो आ मिलाकर के बना सकते हैं, लेकिन जैसा हमारा ये आ ई उ ऋण इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ळा का उच्चारण स्थान होता है, जो ळा हम बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य तथा ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। आइए देखते हैं जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कंठ। जो हमारा ळा का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, यानी कि गले से बोला जाता है, जैसे का खा गा। और जो हमारा उसके बाद जो हमारे चा वर्ग में होता है उसका उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तालु से होता है। और जो उसके बाद टा वर्ग का जो हमारा उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है, जो कि अगले भाग से बोला जाता है टा ठा डा इस तरह से। और जो हमारा ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंते होता है, जैसे ता था दा, जिसमें दांतों का भी प्रयोग होता है। और जो हमारा पा वर्ग होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, यानी कि होठों से होता है, पा फा बा। तो आइए इसके इसी तरह से देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। त्रा वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए का प्लस चा, ऑप्शन नंबर बी ता प्लस रा, ऑप्शन नंबर सी ता प्लस ता और ऑप्शन नंबर डी का प्लस छा। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएं। तो आइए देखते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी ता प्लस रा, यानी ता प्लस रा के योग से जो बनता है हमारा त्रा बनता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन भी कहलाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे दो व्यंजनों के योग से जो तैयार होते हुए बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारे कुछ वर्ड्स और हैं जो कि हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाए जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, जो हमारे व्यंजन है या रा ला वा उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्द से जल्द बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ व्यंजन, यानी कि जो इन व्यंजनों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जो हमारे या रा ला वा हैं वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अंग तथा अंग किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी अयोगवा तथा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त व्यंजन।
तो आप जल्द से जल्द बताएं इसका राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, जो हमारे इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोगवा। अंग तथा अंग अयोगवा है, ये ध्वनियां ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, किंतु स्वरों के सहारे अवश्य चलती हैं और इन इन अर्थ ग्रहण करती हैं। तो आपने समझ ही गए होंगे, ये हमारे दो ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंग तथा अंग। अगर हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ढा तथा ळ क्या है, जो हम उच्चारण करते समय जो बोलते हैं ढा तथा ळ, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर बी द्विगुण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी व्यंजन है खाली, कि ऑप्शन नंबर डी स्वर है। तो आइए आप जल्द से जल्द कमेंट करें इसका। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी द्विगुण व्यंजन। ढा तथा ळ द्विगुण व्यंजन कहलाए जाते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तथा जब जीभ ऊपर का स्पर्श करके झटके से नीचे आए, जैसे ळ ढा। अब जैसे ळ का प्रयोग होता है बड़ा, और ढा का प्रयोग होता है हमारा पढ़ाई। तो इस तरह से जो जीभ ऊपर का स्पर्श करके झटके से नीचे आए उसको ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन तथा द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे अभी के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनका आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगा, इनका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, और ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, आप कमेंट मुझे करिएगा अगर आपका आपको इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 1, बा और वा में अंतर है, जो हम प्रयोग करते हैं बा और वा, इसमें क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए वा दंतोष्ट तथा बा ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी वा और बा दोनों दंतोष्ठ हैं, ऑप्शन नंबर सी वा और बा दोनों ओष्ठ हैं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ण का प्रयोग संस्कृत में बहुत कम तथा हिंदी में बहुत अधिक होता है? वो कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग संस्कृत में तो बहुत कम होता है तथा हिंदी में बहुत अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए वा, ऑप्शन नंबर बी बा, ऑप्शन नंबर सी का, और ऑप्शन नंबर डी दा। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम के पर्पज से, आप उन सभी को देख सके और उन सभी से अच्छे से तैयारी कर पाए। तो आप जल्द से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो के जुड़े हुए नोटिफिकेशंस हो वो आपको सारे के सारे मिल जाएं। और अगर जो भी आपके फ्रेंड्स यूपीटेट तथा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से ज्यादा सीख पाएं। तो आज के हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दो क्वेश्चंस का आंसर के साथ भी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।